बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 6.2 का जो बेसिक वीडियो था उसमें आधारभूत समानुपातिकता परिमेय तथा इसका विलोम, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, तो हमने थेल्स थ्योरम और उसके विलोम के बारे में, उसके कन्वर्स के बारे में सीखा, उनको एक्टिविटी के माध्यम से प्रूव भी किया था। तो ये दोनों ही थ्योरम, थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स, उससे जो हमें रिजल्ट मिले हैं उन रिजल्ट का प्रयोग करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि आकृति 6.17 एक और दो, फर्स्ट आकृति और सेकेंड आकृति में डी समांतर है बीसी के। तो फर्स्ट जो आकृति है उसमें ईसी का मान ज्ञात करना है और जो सेकंड है उसमें एडी का मान ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डी समांतर है बीसी के, तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास डी समांतर है किसके, बीसी के, इसलिए थेल्स परिमेय द्वारा हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि डी समांतर है बीसी के यानी के एडी बटे में डीबी, ये किसके बराबर होगा, एई बटे में ईसी, या आपस में बराबर होंगे। अब आप देखेंगे एडी, एडी है हमारे पास 1.5 और डीबी ये है हमारे पास 3, को आप 3.0 भी लिख सकते हैं। चलो अभी हम कुछ नहीं लिखते, AE 1 सेंटीमीटर और EC, अब देखो हमें फर्स्ट में EC का मान निकालना था, तो यहाँ पे EC को आप X मान सकते हो, X मानना चाहो तो X मान, तो माना EC बराबर है X, क्योंकि EC निकाल लिया तो हमने इसको X मान लिया, X सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में चली हुई है। अब हम क्या कर देते हैं, आर पार गुणा कर देते हैं, आर पार गुणा कर देते 1.5 और एक्स की, तो 1.5x और यहां 3 की और 1 की गुणा हो जाएगी, तो 1.5x बराबर है 3 की 1 के साथ, तो 3 ही आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 बटे में 1.5। अब आप देखो इसको कई तरीके से किया जा सकता है। एक तो देखो, मैं अगर यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी वैल्यू 3 ही है, पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, तो इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 15 15 15 15 30, तो एक्स का मान आ गया 2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 बटे 1 यानी कि 2 मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 बटे में 1.5 आया है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट को हटाने के लिए 1.5 में, जो अगर मैं यह पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे मुझे ऊपर कितने से, अगर नीचे है तो ऊपर करना पड़ेगा, अगर ऊपर है तो नीचे करना पड़ेगा, यहाँ 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 10 से मैंने इसको गुना कर दिया, 5 × 10 और 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का मान आ गया 2। तो यहाँ पे एक्स हमने किसको माना था, ईसी को, तो ईसी ये आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में भी हम यही आधारभूत समानुपातिकता परिमेय लगाएंगे, हमें किसका मान निकालना है, एडी का, तो माना एडी बराबर है एक्स सेंटीमीटर, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखो हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहते हैं, ये लाइन लिख देंगे क्योंकि डी समांतर है बीसी के, तो हमारे पास क्या है, ये लाइन यू की लिख देंगे, अब हमारे पास एडी बटे में डीबी बराबर है किसके, एई बटे में ईसी के, एडी का मान हमें निकालना है, एक्स लिख दिया, डीबी 7.2, एई 1.5
5.8 और ईसी 5.4, तो आर पार गुना कर दें, ये हो गया 5.4x और ये हो गया 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.2, तो इन दोनों की गुना हो, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 1.8, 7.2 और यहाँ पे 5.4। पहले बच्चों इसको देखना है आपको, इसको किस तरह से समझ पाते हो आप। अब यहाँ देखो, यहां से देखो पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, तो इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं हम, यहां से इसके लिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 18 तीय चौवन होता है, तो 18 तीय चौवन, हमारे पास कितना रह गया 7.2/3। अब यहां पे वैसे तो आप इसको जनरली कर सकते हो, देखो इसको हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं, x 3 × 6 क्योंकि 7 और 2 9 है, तो 3 पे तो भाग पक्का होगा ही, तो 3 × 6 एक बच गया, 3 × 4 = 12, लेकिन दशमलव आ गया बीच में, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास किसका मान निकालना था, AD का, तो AD का मान आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि 7.2 और बटे में 3 था, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ 10 लगा देता हूँ, तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 3 × 6 3 × 12, ये आ गया हमारे पास 24/10। अब 24/10 को हम 2.4 लिख सकते हैं, या फिर अगर आप मान लो आगे भी गलती से कैंसिल कर देते हो, तो ये 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो ये 12/5 आ जाएगा, तो 12/5 को भी जब आप भाग करोगे, तो यहां से हमारे पास 2 × 10 5 × 10 2 आ गया, 2 बच गए, दशमलव आ गया, तो 20 बनेंगे, तो 5 × 20, तो वहां से भी हमारे पास यही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हो। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एक अंक के लिए एग्जाम में आ जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR में, हमने एक त्रिभुज PQR बना ली है, क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो हमने E और F दो बिंदु लगा दिए हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के, तो ये हमें बताना है, ये हमें इसमें बताना है। अब क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि PE है हमारे पास, PE ये है 3.9 सेंटीमीटर, EQ ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, PF ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और एफ आर ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, पीई 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि जो ई एफ है वो समांतर है क्या वो आर के या नहीं। अब इसके तीन पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों ही पार्ट प्यार बच्चों एक जैसे हैं। अब समांतर कब होंगे या कब नहीं होंगे, आपको थ्योरम थ्योरम के बारे में और उसके कन्वर्स के बारे में पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उनमें से कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ देखो, उसने कहा है कि ये चेक करना है हमें कि जो ई एफ है वो क्या वो आर के समांतर है या नहीं। अब आप देखेंगे कि जो टेल्स थ्योरम थी, टेल्स थ्योरम में कहा था कि अनुपात समान होता है, यानी कि अगर ये इसके समांतर है तो अनुपात समान होगा, और अब की बार समांतर पूछा गया है, यानी कि हम अनुपात निकालेंगे, अगर वो समान आ गया, अगर वो समान आ गया तो इसका मतलब समांतर है, यानी कि यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम है उसका विलोम,
अप्लाई होगा, यहाँ पे थेल्स थ्योरम का जो विलोम है वो अप्लाई होगा। थेल्स थ्योरम का जो विलोम है वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अनुपात देखते हैं, अभी देखो PE 3.9 है और E क्या हूं 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलो PF 3.6 सेंटीमीटर है और FR 2.4 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए हम अनुपात PE बटे में E क्या हूं कितना आएगा, PE है हमारे पास 3.9 और ये है 3। देखो इसका सबसे आसान सा तरीका होता है कि 3.0 लिख दिया हमने इसको, अब ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 39/30। 3 पे कैंसिल कर लो, ये 10 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, तो 13/10 आप लिखना चाहो तो 1.3 लिख सकते हो। ये तो PE बटे में E क्या हुआ गया। इसी तरह से PF बटे में FR देखते हैं, PF है 3.6 और FR है 2.4। अब यहां से हम देखो डेसिमल के बाद वन डिजिट है, डेसिमल के बाद वन डिजिट है, एक अंक है दशमलव के बाद, तो ये हटा देते हैं, तो ये 36/24, 12×2=24, 12×3=36, तो ये हमारे पास 3.3/2 आया, 3/2। आप इसको ऐसे रहने दशमलव में लेके जाओगे ना, आप देखो ये क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि PE बटे में EQ बराबर नहीं है PF बटे में FR के, ये बराबर नहीं है, यानी कि ये आपस में समांतर नहीं हो सकते। इसका मतलब EF PQ के समांतर नहीं है। प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट वन। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको अनुपात निकालना था, अगर बराबर आ गया तो फिर तो समांतर है, अदरवाइज समांतर नहीं है। एक पार्ट और देख लेते हैं इसी का। इसमें नेक्स्ट में कहा गया है, यही यूज कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है PE 4 सेंटीमीटर। देखो क्या QE लिखा हुआ है यहां पे, क्या QE, तो क्या QE या E क्या QE एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या QE यह है 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF, अब के बाद लिख दिया RF, RF या FRA की तो बात है, तो ये है हमारे पास RF 9 सेंटीमीटर। फिर वही हम अनुपात निकाल लेते हैं, पहले हमने निकाल लिया PE बटे में E, क्या की जगह हम क्या लिख देते हैं QE, तो ये आ गया 4/4.5। तो फिर इसी तरह से पूरा कर लेते हैं हम, 4.0 कर लेते हैं, अब ये डेसिमल हटा देते हैं, 40/45 कैंसिल कर लेते हैं हम, 5×8=40, 5×9=45, तो ये आ गया 8/9। इसी तरह से PF और RF दे रखा था, इसको हम FR को RF लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि FR और RF एक ही बात है। तो ये हमारे पास कितना है 8/9। अब आप देखेंगे दोनों सेम आगे, PE बटे में QE बराबर है PF बटे में RF। अब देखो अनुपात समान है, अनुपात समान है तो EF और QE और आपस में क्या होगी समांतर होगी, तो अनुपात समान दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता
कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है इसके क्यू आर के। यहां पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, हाँ यस। मेरे बच्चों ये था हमारे पास पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड भी हमारे पास दे रखा है। पार्ट थर्ड को समझने के लिए हमें पहले एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल प्रूव करेंगे पहले और फिर उसके बाद पार्ट थर्ड पे चलेंगे। तो यहां इसके लिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि त्रिभुज में पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू, पी से लेके क्यू, पी क्यू 1.28 और पी आर 2.56, पी आर 2.56 हमने यहां पे लिख दिया। इसी तरह से पीई, पीई 0.18 और पी एफ 0.36। अब हमें अनुपात क्या चाहिए, पीई बटे में ई क्यू, पीई बटे में ई क्यू, इसी तरह से पी एफ बटे में एफ आर। पीई का मान तो है हमारे पास, पीई तो हमारे पास कितना है 0.18। ई क्यू, ई क्यू का मान नहीं दिया हमें, तो ई क्यू का हम निकाल लेते हैं। ई क्यू, ई क्यू इसका मान निकाल, देखो पूरे का पता है हमें, किसका पता है हमें, पी क्यू का, पी क्यू का मान पता है हमें, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास। इस पूरे का मान हमारे पास 1.28 है, तो इसमें से ये हम माइनस कर देते हैं तो ये नीचे वाला आ जाएगा, यानी कि ई क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू में से हमने क्या कर दिया, पी ई माइनस कर दिया। पी क्यू है हमारे पास 1.28 माइनस 0.18, यहां से हम इसको करेंगे तो 1.10, ये हमारे पास आ जाएगा ई क्यू। सेंटीमीटर लिख दो सबके साथ सेंटीमीटर। ये किसी तरह से यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1.10। अब डेसिमल के बाद टू डिजिट है, यहां पे भी डेसिमल के बाद टू डिजिट है, तो डेसिमल हम हटा देते हैं, तो ये आ गया 18/110। तो 2 पे कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पे कैंसिल करेंगे 2 5 10, 1 5 2 5 10, तो ये आ गया 9/55। ठीक इसी तरह से पी एफ, पी एफ है हमारे पास 0.36 बटे में एफ आर, एफ आर, एफ आर का मान नहीं है हमारे पास, हमारे पास पी आर का मान है पूरा। तो एफ आर हम निकाल लेते हैं, एफ आर क्या आएगा, पी आर है जो हमारे पास पी आर माइनस पी आर, पूरे में से हम पी एफ माइनस कर देते हैं, पी एफ ये हमारे पास 2.56 माइनस 0.36, कितना मिल जाएगा हमारे पास 2.20 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिख देते हैं 2.20। अब डेसिमल के बाद टू डिजिट, यहां पे भी डेसिमल के बाद टू डिजिट को हटा देते हैं, 36/220। 4 पे देखो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लास्ट टू डिजिट हो रहे तो ये भी हो जाएगा। तो 4 2 36, 4 5 20, 2 5 4 5 20, तो ये आ गया 9/55। यहां से हम कह सकते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर, ये बराबर हो गए हमारे पास। ये हमारे पास अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम का प्रयोग करके, तो फिर वही लिख देंगे आप कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो समांतर है किसके क्यू आर के। ई एफ है वो हमारे पास समांतर है क्यू आर के। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास पार्ट थर्ड। यहां पे इस पार्ट थर्ड को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में एक बार फिर दोबारा से